आईपीएल 2022 में आज चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच 68वां मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि आज ये मुकाबला राजस्थान के लिए जीतना काफी जरूरी है, क्योंकि आज अगर टीम को हार मिली तो राजस्थान को क्वालिफायर वन की जगह एलिमिनेटर भी खेलना पड़ सकता है, जो टीम ट्रॉफी के इतने करीब आकर बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। लेकिन इस मुकाबले में सभी की निगाहें चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी हुई थी। आपको बता दें कि आज आईपीएल में चेन्नई का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है और सभी फैंस को ये लग रहा था कि शायद चेन्नई के साथ साथ ये महेंद्र सिंह धोनी का उनके आईपीएल करियर में आखिरी मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस के दौरान ये बता दिया है कि वो इतनी आसानी से चेन्नई को छोड़ने वाले नहीं हैं। महेंद्र सिंह धोनी अगले सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे, यानी कि आज का ये खेला जा रहा मुकाबला थाला एमएस धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से पीली जर्सी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2023 में खेलते नजर आएंगे। ये केवल धोनी फैंस के लिए ही नहीं बल्कि चेन्नई फैंस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आज एमएस धोनी का आखिरी मुकाबला होता तो शायद एमएस धोनी फिर कभी इतनी आसानी से मैदान पर नहीं नजर आते। लेकिन अब एक बार फिर से धोनी को बल्ला पकड़ते हुए 2023 के आईपीएल में देखा जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।